गल तो मैनू किसी भाजपाई नाल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इस गल ते धन्नवाद करदा कि RSS दे किसान विंग ने भी तो साथ दिता होया ना। असी इतने ना तो मैं भाजपा नूं निंदण आया, ना मैं RSS नूं निंदण आया, मैं किसान दे नाल खड़ा। आ तुसी जदों गल कीती ना कि संतरा भाजी ते मेरी पग जिहड़ी है इहदा तुसी रंग भगवे नाल ठीक है बिल्कुल जोड़ो, बड़ी खुशी दी गल है। आ जिहड़ा रंग है ना, एक गाना तुसी भी सुनिया बचपन च, एक मैं भी सुनिया, रंग हरा हरी सिंह नलुए से है ना, तो मेरा तो हरी सिंह नलुए वाला रंग है। तो ये रंग नूं कोई, ये तो अफगानिस्तान नहीं फिक्का पा सकिया सी इहनूं, ये तो इको एक साडा नलुआ होया जिहड़ा अफगानिस्तान जिन्हें जितया ना, सिकंदर ने जितया ना, अंग्रेज उत्थे रंग भारी पै गया होया, भारी पै नहीं गया रंग, इन्हां नूं समझ आया भी ये इन्ना क हरा रंग इन्हां ने वेख लेना। कहिंदे सौण दे अन्ने नूं फिर हरा ही नज़र आंदा सारे पासे, इन्हां नूं कई साल हरा नज़र आउंदा रहना। और आ संतरे दी एग्जाम्पल तुसीं दित्ती ते मैं भी तुहानूं एग्जाम्पल दिंदा, आ संतरा जे मैं हुण छिलदिआं ना जी, आ देखो ये संतरा सी हुणे, ठीक है जी, ये छिलता ते आ की है हुण, ये संतरा ये फाड़ी है। सो ये फाड़ियां कट्ठियां करतीआं सरकार दे घटिया बिल्लां ने, अज फाड़ी फाड़ी इकट्ठा हो के ते संतरा बन के आ बैठा सा। ये फाड़ी फाड़ी होए बैठे सी पंजाब दा यूथ भी ते किसानी जत्थे भी, इन्हां ने ऐसा माहौल कट्ठा करता कि अज शहरां दीआं मावां कह रहीआं पुत्तरां नूं, पुत्तरा तू इत्थे की करदा, अपना तो संघर्ष दिल्ली बार्डर ते सिंघू बार्डर ते चलदा पिआ, सिंघू बार्डर दा नाम बदल के सिंघ बार्डर करता अज साडे इन्हां ने किसानां ने। मैं तुहानूं दस्सां बीजेपी च यारी दोस्ती हैगी है, नज़दीकी तालुकात होणगे मेरे भाजी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैनू बैर सिखाया ही नहीं मेरे गुरु ने, मेरे महाराज ने, मेरा किसी नाल बैर नहीं ते किसी भी गंदे घटिया बंदे नाल मेरी दोस्ती नहीं हैगी भाजी। मैं पार्टी देख के थोड़ी यारी पाई जांदी है, कहण दा मेरा भाव ये सीगा कि यार दोस्त इदां दे हुंदे सारे जाणदे ने, सारे जाणदे। कदी आपस दे विच गलबात हुंदी, कोई मैसेज भेजा होया कि कुकी साहब ना जाओ, तुहाडे जाण दे नाल फॉलोइंग होर वध जांदी है, जां तुसीं उहनां नूं समझाउण दी कोशिश कीती होवे कि जनाब तुसीं कहो आपदी सेंटर दी सरकार नूं। मैनूं आया कई वारी बंदिआं दा एक दो दा इदां दा मैसेज, तुसीं क्यों जा रहे हो उत्थे, उत्थे तां इदां माहौल खराब है। मैं कहा माहौल ठीक करन जा रहे हैं, चिंता ना करो, मैं कहा जदों असीं जावांगे ना माहौल ठीक होएगा, खराब नहीं हुंदा। और दूजी गल उह फिर असीं उहनां नूं कहा कि भाई ये लड़ाई जमीन दी नहीं, ये लड़ाई जमीर दी है, तू जिहड़ी पार्टी नाल भी जुड़िया जे तेरे कोल जमीन नहीं हैगी, जमीर तो हैगा ना, जिहड़ी पार्टी नाल भी जुड़िया इत्थे आ जा दरिया ते बह जा आके। सो असीं तो उन्होंने यही सुनेहा भेज रहे हैं कि तुसीं भी आओ संघर्ष नाल शामिल होवो। तुहानूं अंदर दी गल दसां, बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े जुड़े भावें उन्हां दी पार्टी नाल होण, अंदरों कह रहे ने कि नहीं यार धक्का हो रहा किसान नाल, असीं किसान दे नाल आ, अंदरों जुड़े होए ने। मीटिंग दे विच डॉक्टर दर्शनपाल होरां नाल मेरी गलबात चल रही सी, उह कहिंदे कि उन्होंने जो नरेंद्र सिंह तोमर होरां ये कहा कि अंदरों तो तुम भी चाहते हो कि जोड़ा किसान हैगा वो इस बिल के नाल दुखी है, पर तुम कह नहीं सकते मोदी साहब न, यह की है मतलब दो बंद की पार्टी समझ के चलिए, पहले कहें कि कांग्रेस के लिए कि वह करप्ट है, हूँ लोग कहते करप्ट के नाल गुंडागर्दी भी है। मैं तुम्हें होर दसा, मैं तो लगता खेती मंत्री साढ़े जोड़े तोमर साहब ने, मैं लगता उन्होंने कोल भी बहुत पावर नहीं है खेती बिल में लैके। सो ये फाइनली उदों ही डिसीजन होना जो मोदी साहब चाहणगे कि यह फैसला होवे, किसानों शांत करके घर भेजिए। मैं तो लगता जब तक आप इस मीटिंग वैसे मीटिंग करने की लोड़ नहीं, जदों बिल बनाए गए सी उदों कि मीटिंग की गई सी, बिल वापस लैन लई भी कि मीटिंग करन दी लोड़ है। अज कहिंदे आ कि किसान इत्थे आ गया जी दिल्ली बार्डर ते आके बह गया, ये गलत एजिटेशन हो रहा, तो दो महीने तो पंजाब च बैठे सी उत्थे आके गल कर लेंदे। कहते ना किसान को बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, किसान को चाहिए आंदोलन का रास्ता छोड़ के, चैनलों पर लगे हैं ना उची उची बोलन, किसान को चाहिए आंदोलन का रास्ता छोड़ के बातचीत करे। और बातचीत तुम विजिटिंग कार्ड दे के गए, भी मेरे घर कितने आना, तू किसान कितने जाए, किसान दो महीने तो अपने घर बैठा सी उत्थे टोल प्लाजा ते रेल पटड़ियां ते, उदों दा कोई मिलन नहीं आया, किसान तुहानूं मिलन कित्थे आंदा, अज जे किसान बॉर्डर ते आके बह गया, अज तुसीं कह रहे हो विज्ञान भवन आके मीटिंग कर लो। भावना की है जदों ट्विटर दे उत्ते गुरपुरब हुंदा ते नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करके कहिंदे आ श्री गुरु नानक देव जी दे चरणां 'च मेरा नमन है, उह भावना की है फिर? उहदे 'च दो भावना हो सकदियां, एक तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते इखलाकी फर्ज तो कितने बनता है ना कि सारे संसार ने देखना है, वो तो फिर उन्होंने फर्ज बनता ईद पर भी मुबारक देन, क्योंकि इस वेले एक देश की रहनुमाई उन्होंने मिली हुई है, तो जे तुसी नैतिक फर्ज भी अदा नहीं करना तो
तो फिर तुसी एक सैकुलर कहाउण वाले मुल्क के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, वो तो उन्होंने देनी चाहिए। और दूसरी गल, गुरु नानक साहब का अपना प्रभाव इन्ना कि किसी भी बंदे नूं रात नींद नहीं आ सकती कि मैं जिम्मेवारी वाली पोस्ट पर बैठा तो मैं गुरु नानक साहब के जन्मदिन की मुबारकबादी दी, ये नींद भी उड़ सकती बंदे की कि मैं किन्ना मतलब अपने आप को संकुचित कर लिया अपनी सोच में। ये दो कारण हो सकते हैं कि मुबारक देनी पैंदी है गुरु नानक साहब। सच सच दसना, जो एकांत च बैठे होंगे अखा बंद करके सोचते हो कि इस किसानी अंदोलन का बनेगा की, पहला ख्याल दिमाग च की आता? सच सच मेरे दिमाग च आता कि किसान वापस मुड़े आ रहे हैं बॉर्डर तो, अगे ढोल वज रहे ने, भंगड़े पै रहे ने, नारे लग रहे ने भी मोर्चा फतेह कर लिया। ये पहला ख्याल मेरे दिमाग च पिक्चर बनती है कि भंगड़े पैंदा किसान, भंगड़े पाउंदा वापस जा रहे। वो भंगड़े अज पै जाण, दस दिन पै जाण, भी दिन पै जाण, वो भंगड़े की तैयारी है। ढोलियां ने भी कड़े कस ले ने, ढोल दे फुमन लटका ले ने नाल जिहड़े ढोल वज्जणे ने। ये हो जाए तो बहुत वधिया गल, पर एक मैसेज यह भी जाएगा पूरे हिंदुस्तान दे विच, भारत दे विच, कि जी किसानां ने अपना अंदोलन जिहड़ा हैगा जित के वापस घरां नूं मुड़ गए। हुण जिहड़े लोग कश्मीर दे विच बैठे ने, जिहड़े लोग जिन्हां नूं दबा दिता जांदा, उहनां दी आवाज़ां भी बुलंद होणगियां। तुहानूं लगता है कि ये नवां संस्कार दे के जाणगे पंजाबी? ये संस्कार थोड़ा जी, ये तो साडा अधिकार है, अधिकार नूं संस्कार नाल जोड़ोगे तो उहदी परिभाषा बदल जांदी है। संस्कार ये है कि आडा ला के रखो लड़ना, जड़ा है अपनी आवाज़ को बुलंद करके रखो, हक ले लड़ना सिखाना चाहिए किसी को, फिर की हो जो पंजाबी सिखा देंगे तो अभी तो सिखाते आए हैं हक न लड़ना ही तो सिखाया अज तक असी। और जे ये कोई बेहक की गल है, ना हक की गल है तो तुम दस दो। सो अधिकार लड़ना और जित के जाना साडा हक भी है, साडा फर्ज भी है। सो मैनू लगता है कि ये सरकार की कित भी हेठी नहीं होंगी कि सरकार नूं बिल वापस लैने पै गए। ये सरकार की इज्जत वधेगी, सरकार का माण वधेगा, लोगों नूं नज़र आएगा कि सरकार च फलैक्सीबिलिटी हैगी है, सरकार च फलैक्सीबिलिटी होनी चाहिए है। तुहानूं किते ना किते किसी की सोच अगे झुकना भी आना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा झुक जांदा है वह इंसान जिंदा हुंदा है, जिहड़ी आकड़िया हुंदा वह मुरदा हुंदा। 5 तरीक नूं कहिंदे कि मोदी साहब के पुतले साड़े जाणगे, भारतीय किसान यूनियन ने कल प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कह दिता। देखो अपना अपना किसी का की प्रोटेस्ट करने का तरीका मैं पता नहीं है, मैं तो शांतमई आ देखो तुहाडे सामने शांतमई प्रोटेस्ट हो रहा, 2 महीने हो गए संघर्ष चलते हैं, किसी ने साइकिल की हवा कड़ी हो दसो तुसी। आ मैं दिखाना चाहना कैमरामैन साहब, आ मुंडा दिखाओ बंदा, देखियो जी आ देखो समान वेच रहा अपना, आ चप्पलों नू वदरां पा रहा है, पतावे वेच रहा। भाई साहब आप कब से यहाँ पे, आपका किसी ने समान छीना, आपकी कोई चीज़ ली किसी ने, आप समान बेच रहे हो? जो जो भी सामान लेता है पैसे देता है आपको? आ जाओ भाजी इधर, हूँ इस तो वड्डी एग्जाम्पल कोई हो सकती है कि रेहड़ियाँ लगियां, लोग मूंगफलियां गचकां रेहड़ियां वेच रहे ने, जैकटा रुमाल वेच रहे ने, लोग इतने धूफ अगरबत्ती भी ला के बैठे, जिन्हें वो लैनी वो लै लो। सो इतने ओडोमास वेच रहे ने, टूथपेस्ट ब्रश साबण वेक रहे, रेहड़ियाँ लगियां जिथे गंदे अंदोलन होंगे ना घटिया तरीके, लोग मॉल लुट लेंगे, उत्थे दुकाना साड़ देंगे ने, बसा गड्डियां साड़ देंगे ने, इत्थे लोग इनू पिंड समझ के अपना समान वेचण लई आ रहे ने। इस तो साफ सुथरा अंदोलन कितें नहीं हो सकता। सुखी साहब एक चीज़ दसो, सवाल है, इन्नी फैन फॉलोइंग होंदी है कलाकारां दी, उम्मीदा भी बड़िया होंदियां, पर यह जिहड़े कलाकार होंदे आ, इक्को इक रस्ता हैगा सियासत, सियासत दा उही रस्ता हैगा जिहदे नाल सुधार लैके आया जा सकदा, वरना नहीं। कलाकार क्यों नहीं सियासत दे विच उतरदे? लोकां दा भी सवाल हैगा, जे उतर जाओगे वोटां भी लै लोगे तो जिहड़ा सिस्टम हैगा उहदे च सुधार भी हो जाएगा। तुहानूं किन्ने कहा भाजी कलाकार सियासत च नहीं उतरदे? सॉरी मैं सवेर दा पार्लियामेंट च मैनूं लोह लग रहा सी थोड़ा जिहा, विटामिन भी जरूरी है, विटामिन जरूरी सी। हाँ नहीं मैं ये दसदा जी, अज बड़े बड़े कलाकार ने जिन्हां चों साडी फील्ड विच देखो भगवंत मान दूसरी बारी संगरूर तो जित के पार्लीमेंट च बैठे कलाकार ही है, किरण खेर होनी गए ने, मुहम्मद सदीक साहब कांग्रेस तो मैंबर पार्लीमेंट बन के पार्लीमेंट च बैठे हुए, वीडियो वायरल हुई सी उन्होंने कानूनों के जो सवाल पूछा गया है। हाँ ये नाल कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा, हर बंदे की अपनी अपनी सोझी होंगी, जिहड़ी सोझी सदीक साहब की है ना, जो पंजाबी का शब्द उन्होंने बच्चों तक पहुँचाया, उन्होंने गीत सुन सुन के लोग पंजाबी नाल जुड़े ने, उन्हों का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। वो पिछे बहुत बीमार रहे, इस मूवमेंट को चंगी तरह समझ नहीं पाए सी उदों तक, तो बड़ी चंगी गल उन्होंने कही, अधूरी जानकारी देने नालों सदीक साहब ने यह कहा कि मैंने इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है।
हाँ भगवंत उन्हां दी बहुत स्टडी है इस मामले ते, भगवंत बहुत अच्छा बोल रहे ने पार्लीमेंट च भी और मीडिया नाल भी बोल रहे ने, सो जे स्टडी पूरी है तो जरूर बोलो, मैनू माण है अपने पार्लीमेंटेरियंस ते जिहड़े बोल रहे ने। और इसे पार्लीमेंट दे विच पास होया राज्य सभा च चल गया। हाँ बिल्कुल भाजी, तुसी अज संघर्ष दे नाल खड़े हो, संघर्ष नू कवर करके पहुँचा रहे हो, जे किसी कारण संघर्ष नहीं भी सिरे चढ़ता तुसी तो अपना फर्ज अदा कर रहे हो ना, हर पार्लीमेंटेरियन ने अपना फर्ज अदा करना, वो दी वोट बहु गिनती वाले पासे है कि घट गिनती वाले पासे तो अलग गल है ना, जे सदीक साहब का जोर चलता या भगवंत होना दा या साडे होर पार्लीमेंटेरियन जिन्हां ने इहदे अगेंस्ट वोटां पाईआं होणगीआं, कांग्रेस के होर भी मनीष तिवारी जी उत्थे सीगे वो भी मेरे ख्याल नाल इहदे अगेंस्ट भुगते ने। नहीं तुसी अपने आप नूं दूर क्यों रखते हो सियासत तों? भगवंत तों सियासत तों दूर नहीं रखिआ जी, मैं एक पिछे पंजाब लई कोशिश कीती सी, उदों नहीं गल बनी, सिस्टम मैनू नहीं समझ आया जां सिस्टम नूं मैं नहीं समझ आया तो मैं उदों बाहर सीगा। मैं हमेशा ही कहिंदा हुंदा मैं सियासत नूं कदे नफरत नहीं करदा, गंदी सियासत नूं नफरत करदा, मैं चाहवांगा कि कल इदां दा माहौल बणे, तुसीं वी आओ सियासत विच, बड़े बड़े वड्डे जर्नलिस्टां दी लोड़ है, पत्रकारां दी लोड़ है, कलाकारां दी, साहित्यकारां दी, सोशल एक्टिविस्ट दी लोड़ है, मैं सियासत ते कदे कांटा नहीं मारिया, सियासत तां तुसीं वी करदे हो, वोट पाउण जांदे हो ना, किसी एक पार्टी लिए तो दिमाग च ख्याल हैगा ता ही वोट पाते? बिल्कुल नहीं, छड़ी हुई है। तुसी भावें नोटा नू पांदे हो, नोटा ही नोटा दी गल कर रहा हूं, नोटा दी गल कर रहा हूं, नोटा दा मतलब यही है कि तुसी सियासत मन च हैगी है, तुसी सियासी उम्मीदवारां नू नोटा पा दिंदे, इन्हां चो कोई नहीं, पर सियासत तो मन च हैगी तां वोट पाउण गए ना, कि चंगा सियासतदान दा तुसी इंतजार करदे पए हो, सियासत सब दे दिमाग च है, सियासत च आउणा भी चाहीदा, नॉट अ बैड थिंग। इंतजार दीआं घड़ियां जिहड़ी तुसी कहिंदे हो इंतजार करदे पए आ, लगदा मुकण ते आणगीआं, मैं कह रहा मुकण गीआं जरूर भाजी, जदों मौका आएगा किसी चीज़ तो पिछे भजन वाले नहीं है, जे सियासत लोड़ पेगी उत्थे भी जावांगे, जे इदा ही सरदा होएगा बच्चों से अपनी जिंदगी का आनंद लवेंगे, दूरों बह हूँ मैं यूनाइटेड सिक्स के नाल जुड़िया, आ देखो ऑर्गेनाइजेशन लगी है, ये बंदे सारे पता नहीं किड्डे किड्डे वड्डे बिजनेसमैन है, इन्हां दीआं फैक्ट्रियां फरीदाबाद जाके देखो, आ जसमीत जी, परमिंदर जी, मेरे सारे भरा खड़े देखो, हाँ जी रजिंदर जी, परविंदर जी, ये सब वड्डे वड्डे लोग ने, सब अपने काम छड्ड के बैठे, अमरजीत सिंह जी ये इत्थे सेवा कर रहे, मतलब जदों का मोर्चा शुरू होया पंजाब तो लगे हुए ने नाल, जे कल नूं इन्हां दी लोड़ पई असीं इन्हां नूं, मैं फिलहाल इन्हां नाल लगा हुआ, कल नूं इन्हां नूं कहांगा भाई सियासत च आ जाओ, आओ रल के आ भी कम करके देखते हैं, कोई गल नहीं। सरकाजम जिहड़ा हुंदा ना तंज, वो जिन्ने डूंगे तरीके दे नाल असर करता वो तो वधिया चीज़ कोई हुंदी नहीं, मैं चाहना कोई तंजिया तरीके दे नाल कोई इहो जी चीज़ कहो जिस दे नाल इक मैसेज आवे लोकां दे विच ते केंद्र दे विच वी। मैं इस वेले तंज ते नहीं, मैं फर्ज ते उतरिया होया जी, क्योंकि तंज जिहड़े इस वेले इन्हां नूं असर नहीं करदे पे, सो फर्ज ते इंटरव्यू च बड़े तंज कसे आ तुसीं बहुत कसे आ, सो मैनूं लगदा कि वो समझदार बंदा समझ जांदा जी आपे, सो मैं बेनती करांगा कि किसान नूं इह जिहड़ी तुहाडी कोशिश है ना कि किसान दा नन्ना ला के ते किस्सा बना दईए, ये किस्सा नहीं बनना, किसान ने किसान ही रहना, इहदा जे लाउणा ते अगों कक्का ला के इहनूं शान बनाओ, इनू किस्सा ना बनाने की कोशिश कर।